नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्टिंग वर्ड्स की इस नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं योगासना के ऊपर। तो यार, जैसे कि आप जानते ही होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासना को इंट्रोड्यूस करा गया और मतलब दुनिया ने देखा योगा की ताकत। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं योगा के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हो, दिमाग, शरीर को, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं फिजिकल पोस्चर से, ब्रीदिंग टेक्निक से, मेडिटेशन को मिला के, तो उसे हम योगा कहते हैं। तो जैसे कि हम योगा के बारे में हम जानते होंगे, सभी जानते होंगे यार कि ये भारत में बना था, 3000 BC में बना था, और इसकी शुरुआत जो कही जाती है वो इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में शुरुआत हुई थी इसकी। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स में लाया गया, फिटनेस में लाया गया 21st सेंचुरी में, जब इसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह योगा को देखने लगे, तो उसे बोलने लगे हम योगासना, है ना। तो योगा को इन्होंने बना दिया योगासना। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। तो योगासना दो शब्दों से बना है, युग और आसन, आसना से। तो युग का मतलब हो गया यूनिटी और आसना का मतलब बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर, कई सारे बॉडी पोस्चर को मिला के हम योगासना कहते हैं। तो इसके बाद जैसे आप देखोगे तो योगासना पे ज़्यादा फोकस होता है फिजिकल एस्पेक्ट्स पे योगा के, कि आपका बैलेंस क्या है, आपकी कंट्रोल कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस कितना है योगा का। और योगा अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा हमारा देखा जाता है मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में, थोड़ा वो फिटनेस भी होता है, थोड़ा आपके फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है, मैं आपको फ़र्क भी बताऊँगा। तो पहली बार जब ये स्पोर्ट्स में खेला गया तो ये 1989 में फर्स्ट योगासना वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली गई थी पुडुचेरी या पांडिचेरी इंडिया में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फॉर्मली इसे अब एक स्पोर्ट्स की तरह पहचाना गया 2020 में, और इसको जो गवर्न कर रही है वो ये गवर्न कर रही है हमारे इंडिया में नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसको ऑफिशियली गवर्न कर रही है। इसके रूल्स की बात करें तो इसमें तीन इवेंट्स होते हैं, आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रेडिशनल। आप तकरीबन इसे जिमनास्टिक्स से थोड़ा सा मान सकते हो कि कोरिलेट कर रहा है, तो उसी तरीके से थोड़ा आर्टिस्टिक योगासना हो गया कि आप कैसे परफॉर्मेंस देते हो, म्यूज़िक की बीट्स पे आप किस तरीके से करते हो। तकरीबन 3 मिनट के अंदर वही 3 मिनट का एक गाना हो गया, तो उसके गाने के सिंक्रोनाइजेशन में आपको योगासना योगा करना है, है ना। तो अगर इसमें आप देखो तो इसमें 10 आसन ज़रूर होने चाहिए, और इसमें ज़रूर होना चाहिए लेग बैलेंस, ज़रूर दिखना चाहिए हैंड बैलेंस, दिखना चाहिए बैक बैंड, दिखनी चाहिए फॉरवर्ड बैंड, और बॉडी ट्विस्ट ज़रूर आना चाहिए आर्टिस्टिक योगासना में। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और पेयर्स में भी हो सकता है। इसके बाद हम ट्रेडिशनल योगासना की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एक पोस्चर होता है वो 15 से 30 सेकेंड तक मेंटेन करना होता है, फिर उसे चेंज करना होता है। इसमें ज़्यादा ध्यान आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी पे दिया जाता है कि आप कितने से ज़्यादा स्टेबल हो। रिदमिक योगासना हो गया थोड़ा आपका ग्रुप वाला, इसमें पेयर्स होते हैं, 5 का ग्रुप हो गया, तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, कितना स्मूथ वो दिख रहा है एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर तक, कितना स्मूथ वो चीज़ लग रही है। तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक आपको पोस्चर बनाए रखना होता है, फिर चेंज करना होता है। तो जितना स्मूथ लगेगा देखने वालों को, हमारी ऑडियंस को, उतने ही अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम पॉपुलर योगासना की बात करें, मतलब कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अधोमुख स्वर्णासना हो गया, जैसे कि आप ये देख सकते हो इस लेडी ने ये परफॉर्मेंस कर रखी है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है आपका उपवरिष्ठ कोणासना, आप इस तरीके से वो करा जाता है योगासना को। और इसके बाद हमारा एक पदा बकासना, तो आप देख सकते हो हाथों पे इस तरीके से आपको बैलेंस बनाना होता है। तो और एक और होता है आपका, और लास्ट होता है आपका धनुष आसना। तो इसमें आप धनुष देख सकते हो वो बनता है, तो इस तरीके से ये परफॉर्म करे जाते हैं। तो शुक्रिया यार आज की इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यार कुछ पसंद आया तो यार कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।